नमस्कार, मैं नाम हंस और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल न्यूज रिपोर्ट पर। ऑस्ट्रेलिया मोहाली में T20 मैच गवा चुकी टीम इंडिया की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच की सीरीज से बाहर हुए मोहम्मद शमी अभी तक फिट नहीं हुए हैं। उनके शरीर में अभी तेज दर्द है, जिसकी वजह से गुरुवार को होने वाले कोरोना टेस्ट सोमवार तक टाल दिया गया है। अगर शमी फिट नहीं होते हैं तो उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच की सीरीज में भी खेलना मुश्किल हो सकता है। शमी का 20 सितंबर को मोहाली में खेले जाने वाले मैच में एक दिन पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद उनकी जगह 3 साल से T20 टीम से बाहर चल रहे उमेश यादव को टीम में शामिल किया गया था। हालांकि पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 208 रन का विशाल स्कोर बनाने के बावजूद टीम इंडिया को 4 विकेट से मैच हारना पड़ा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि मोहम्मद शमी की हालत में सुधार है, पर उनके शरीर में अभी भी तेज दर्द बरकरार है, जिसकी वजह से गुरुवार को होने वाले कोरोना टेस्ट को 3 दिन के लिए टाल दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी को शामिल किए जाने की मांग जारी हो रही है। कई दिग्गजों ने शमी को T20 वर्ल्ड कप के लिए भी 15 के स्क्वाड में शामिल किया गया है। हालांकि शमी को रिजर्व खिलाड़ियों के तहत पर वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस सीम और तेज वाली होती हैं। शमी जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं वह वहां अपनी बाउंसर और सीम बॉलिंग से बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। साथ ही शमी के पास स्पीड भी है, इससे उन्हें ऑस्ट्रेलिया में काफी मदद मिलेगी। वहीं अभी जिन तेज गेंदबाजों को भारतीय टीम इंडिया में चयन हुआ है, इसमें जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो 140 की ज्यादा से गति से गेंदबाजी कर सके। ऐसे मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज को मौका दिए जाने का तय माना जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ी वर्ल्ड।